गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन आई एम योर टीचर दिव्या वर्मा एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग लेसन फोर ऑफ़ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक सो फॉर टुडेज लेसन प्लीज़ टेक योर टेक्स्ट बुक्स इन योर हैंड एंड स्टार्ट रीडिंग विद मी लेट स्टार्ट माय स्कूल बिल्डिंग इज़ वेरी बिग एंड ब्यूटिफुल मेरे स्कूल की बिल्डिंग जो है वो बहुत बड़ी है और बहुत ही सुंदर है इट हैज़ मैनी क्लास रूम्स उसमें बहुत सारी क्लासेस हैं माई क्लास रूम इज़ पेंटेड येलो मेरे क्लास का रंग येलो कलर का है इट इज़ ब्राइट एंड कलरफुल उससे मेरी क्लास बहुत कलरफुल और खिली खिली लगती है कलरफुल मतलब रंगों से भरी हुई वी हैव ट्वेंटी चिल्ड्रन इन आ क्लास हमारी क्लास में हम लोग बीस बच्चे पढ़ते हैं दिवानश सिट्स ऑन माई लेफ्ट हीज़ अ बिग बैग हिज बैग इज़ ब्लू इन कलर सो द बॉय दिवान्श वो इस गर्ल के लेफ्ट में बैठता है और उसके पास एक बिग बैग है बड़ा बैग है और उसका बैग ब्लू कलर का है गुंजन सिट्स ऑन माई राइट गुंजन मेरी राइट तरफ बैठती है शी हैज़ अ स्मॉल बैग हर बैग इज़ पिंक उसका जो बैग है वो छोटा है और वो पिंक कलर का है आई हैव अ ग्रीन बैग दिस गर्ल इज़ टेलिंग यू ना वो कह रही कि मेरे पास ग्रीन बैग है वी आर क्लासमेट्स हम हम सब क्लासमेट्स हैं क्लासमेट्स कौन होते हैं जो एक साथ क्लास में पढ़ते हैं दे आर क्लासमेट्स वी प्ले टुगेदर ऑन द स्विंग्स ड्यूरिंग रिसेस हम लोग एक साथ रिसेस के टाइम में ब्रेक के टाइम में एक साथ स्विंग्स मतलब झूलों पे झूला झूलते हैं वी हैव अ बिग स्केटिंग रिंग एंड अ लार्ज स्विमिंग पूल हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्केटिंग रिंग है जहाँ पे हम स्केटिंग करते हैं एंड लार्ज स्विमिंग पूल एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी है आई लाइक टू स्विम मुझे स्विम करना अच्छा लगता है बट दे लाइक टू स्केट पर मेरे फ्रेंड्स को स्केट करना अच्छा लगता है दिवानश इज़ गुड एट प्लेंग फुटबॉल दिवान्श बहुत अच्छा फ़ुटबॉल खेलता है ही इज़ अ कैप्टन ऑफअर क्लास टीम वो हमारी क्लास की टीम का फुटबॉल टीम का कैप्टन भी है गुंजन इज़ शाए गुंजन थोड़ी शर्मीली है शाए मतलब शर्मीला शी लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक्स इन स्कूल लाइब्रेरी उसे लाइब्रेरी में बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है There आर मेनी ट्रीज़ इन आर स्कूल compound. हमारे स्कूल के कंपाउंड में मतलब हमारे स्कूल के एरिया में अंदर बहुत सारे पेड़ हैं द वॉल ऑफ आर स्कूल इज पेंटेड ग्रे एंड ग्रीन हमारे स्कूल की जो दीवारें हैं बाहर से ग्रीन एंड ग्रे कलर के पेंटेड हैं देर आर बेड्स ऑफ प्रिटी फ्लावर्स अलॉन्ग द वॉल और आसपास बहुत सारे फूलों की क्यारियाँ भी प्रिटी प्रिटी प्यारे प्यारे फूलों की क्यारियां भी है ओके सो लेट्स डू दिस इट ऑल्सो द बुक ओके नाउ दिस इज कॉम्प्रीहेंशन राइट येस और नो इन द गिवन बॉक्सेस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आपको येस yes लिखना है या नो लिखना है यानी स्कूल्स हैज मैनी क्लासरूम यावी की uh, स्कूल में बहुत सारी क्लासरूम्स थे थे या नहीं यस yes. उसकी बात उसके वहाँ बहुत सारे क्लासरूम्स थे हर क्लासरूम इज़ रेड इन कलर इज़ इट रेड इन कलर और येलो इन कलर यस इट वॉज येलो इन कलर सो इट इज़ नो सेकेंड वन इज़ नो देवान्श हैज़ अ ब्लू कलर बैग देवानश का ब्लू कलर का बैग है यस शी हैज़ अ ब्लू कलर बैग सॉरी ही हैज़ अ ब्लू कलर बैग इट इज़ यस gunjan has a green color bag gunjan ka bag green tha ya pink tha i think it was pink yes it was pink so it is no yavi like to swim yes she likes to swim and her friends like to skate now the next question do you like your school complete the following sentences okay so try to do this on your own the name of my school is Army Public School, Jamukant. There are dash children in my class. About there are 27 um, children in your class. Okay. There are 27 children. My teacher's name is. You will write your teacher's name. Okay. माई पार्टनर नेम इज अब नाउ इन दिस सेशन यू डोंट हैव अ पार्टनर बट यू कैन राइड योर पार्टनर ऑफ प्रीवियस सेशन जब आप यूके जी में थे तो आप अपने उस समय के पार्टनर का नाम लिख सकते हैं बिकॉज अभी हम सब घर में हैं तो हमारे क्लास में कोई भी पार्टनर नहीं है प्लीज चिल्ड्रन डू रीडिंग प्रॉपरली एंड रीड इट अगेन एंड अगेन बार बार रीडिंग करिए रोज़ रीडिंग करिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल एंड आफ्टर रीडिंग दिस You will be writing the new words in your notebooks, and you will be drawing a picture of your school. Okay, so I'll be send, uh, there is one um, picture image for today's work that would be doing. You will be doing in your notebook. Okay, children. Thank you, beta. Take care.